हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कवर करने जा रहा हूँ टॉप 20 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा। और इसमें कवर होगा 21 सितंबर टू 22 सितंबर 2018 तक। पहला जो क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो इसके चार ऑप्शन हैं, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग और ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। तो जर्मनी में ये ट्रेन चलाई गई है जो पहली हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन है। और जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन और करेंसी होती है यूरो। और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से नंबर वन पोजीशन पे हैं। दूसरा क्वेश्चन, DRDO के द्वारा अभी हाल ही में स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। यह मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, यानी इसकी खासियत क्या है? सतह से वायु और सतह से सतह मार करने में सक्षम है। इन चारों में से क्या ऑप्शन है? तो इसका सही आंसर है सतह से सतह, यानी सरफेस टू सरफेस। संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव 1 अक्टूबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरस है। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, या वो किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल। तो जो 9वें महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र के, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। और इनसे अगर कभी पूछा जाए कि इनका किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन होती है और करेंसी यूरो होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल पीस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 सितंबर। 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है द राइट टू पीस, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट 70। शहरी पर्यटन पर 7वां UNWTO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए इन चार ऑप्शन में, सियोल, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है सियोल। सियोल की अगर बात करें तो सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है, और वहाँ की करेंसी होती है साउथ कोरियन वॉन। और ये 7वां सम्मेलन हुआ है UNWTO, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, और मैड्रिड स्पेन की कैपिटल होती है। अभी हाल ही में किस राज्य में झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट के नाम पर रखा गया है? और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। तो इन चार ऑप्शन में सही आंसर है ओडिशा। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में स्थित वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत का एक पहल है, की शुरुआत किए? और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इन चार ऑप्शन है, रांची, इम्फाल, भुवनेश्वर और वाराणसी। तो इन चार ऑप्शन में सब सही आंसर है रांची, क्योंकि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची जाके इस जन आरोग्य योजना का शुरुआत किया, शुभारंभ किया, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित योजना है, जिसमें करीब 50 करोड़ बेनिफिशरी होंगे इसके। 10 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा और हर फैमिली को 5 लाख हेल्थ प्रोटेक्शन इंश्योरेंस स्कीम मिलेगी। तो उसकी शुरुआत भारत में रांची से हुई है। किस मेट्रो रेल निगम को अंतर्राष्ट्रीय रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला मेट्रो रेल निगम बन गया है? तो इन चार ऑप्शन में लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद और कोचीन। तो इन चार ऑप्शन में लखनऊ सही आंसर है। लखनऊ मेट्रो रेल निगम पहला रेल निगम है जो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज गैर संक्रमणकारी
बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, जांच और प्रबंधन कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए किन संस्थाओं के साथ समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया है? तो एचआर ऑप्शन में टाटा ट्रस्ट, डेल, विप्रो टाटा, इन्फोसिस टाटा और विप्रो डेल में से सही आंसर है टाटा ट्रस्ट और डेल। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट और डेल के साथ समझौता किया है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका चार ऑप्शन है अन्ना राजम मल्होत्रा, सुभाषिनी गुप्ता और देवयंती और सुभाषिनी राठौर। इन चार में से सही आंसर है अन्ना राजम मल्होत्रा। और ये भूतपूर्व जो गवर्नर रह चुके हैं आर एन मल्होत्रा, जो 1985 से 1990 तक आरबीआई के गवर्नर हैं, ये इनके पति थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार चौधरी सही आंसर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी के नए चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। तो सही आंसर है अनिल कुमार चौधरी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, विश्व अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो इसका भी सही आंसर है 21 सितंबर। 21 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड किसको दिया गया है? तो चार ऑप्शन है राधिका आप्टे, भूमि पेडनेकर, अनुष्का शर्मा और तापसी पन्नू। तो इसमें सही आंसर है अनुष्का शर्मा। तो अभी इस साल का स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड जो दी गई है वो अनुष्का शर्मा को दी गई है। रक्षा से संबंधित पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये चार ऑप्शन में जो आप देख रहे हो इसमें सही आंसर है कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो रक्षा से संबंधित है उसके लिए अध्यक्ष बनाया गया है। फिच जो अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, भारत का आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2019 के लिए क्या अनुमान दिया है? तो इसका सही आंसर है 7.8%। और फिच एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी होती है। अभी हाल ही में भारत की एनएसई ने मसाला बॉन्ड और फॉरेन करेंसी बॉन्ड के लिए किस फॉरेन एक्सचेंज के साथ समझौता किया है? तो ये एक्सचेंज है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है एनएसई ने मसाला बॉन्ड और फॉरेन करेंसी बॉन्ड के लिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन और पाकिस्तान के अलावा तीसरा देश कौन है जो इसका साझेदार बनने जा रहा है? तो ये चार ऑप्शन है ईरान, सऊदी अरबिया, ओमान और अफगानिस्तान। इसमें सही आंसर है सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया तीसरा पार्टनर बनने जा रहा है सीपेक का, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो जापान के अरबपति यासाको मेजावा को विश्व के सबसे पहले प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री के रूप में 2023 तक चांद पर भेजा जाएगा? तो इसका सही आंसर है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का जो प्रोजेक्ट है वो 2023 तक यासाको मेजावा को, जो जापान के अरबपति हैं, उनको भेजा जाएगा और ये पहले प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जनरल असेंबली की बैठक 2 अक्टूबर 2018 को कहाँ पे होगी? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो पहल शुरू की गई थी वो भारत ने ही की थी। भारत और फ्रांस दोनों देशों के संयुक्त प्रयास के द्वारा ये एक गठबंधन बनाया गया है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। अगर हेडक्वार्टर का भी पूछा जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका गुरुग्राम में है और ये भारत की पहल है। और इसका मंत्री स्तरीय बैठक जो होगी वो होगी ग्रेटर नोएडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर है द्वारका, दिल्ली। दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें।